भाई यहाँ तो सही में बारिश ने तूफान मचाया है। तूफान भाई, सुबह का मौसम देखो यार, 4 किलोमीटर की जाम में 4 घंटे लगे। टेंट मैंने लगा लिया यहाँ पे, बहुत ही मस्त नींद आने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस मेरे तो बस का था नहीं पहले चलना, मेरी हो रही थी हालत खराब, तो मैंने कर लिया पिट्ठू। मुझे लग रहा था अक्टूबर का टाइम है, बारिश नहीं होगी, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। तो गाइस केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। तो ये सामान है जो मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कैंपिंग करेंगे, तो ये कैंपिंग टेंट है और एक ब्यूटेन का गैस सिलेंडर है, एक इसके साथ स्टोव है जिसमें ये कनेक्ट होता है, मेरे यूटेंसिल्स है, ये बॉटल है जिसके अंदर ठंडा पानी ठंडा और गरम गरम रहता है, साथ में मेरा पावर बैंक है, कुछ कपड़े हैं, गरम कपड़े, गोप्रो मैंने ले लिया है नया, ये गोप्रो हीरो 11 है, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है, गोप्रो हीरो 11। चार्जिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा बैटरीज भी ले लिए है और इसके अंदर मेमोरी कार्ड वगैरह इंस्टॉल कर लिया है, साथ में मेरे ऊपर के गर्म कपड़े हैं, ये बैग है जिसके अंदर हम सारा सामान लेके जाएंगे, ये मेरा स्लीपिंग बैग हो गया -10 डिग्री तक जो काम करता है, ये 2 गर्म सॉक्स हो गई है और 2 मेरे हैंड के ग्लव्स, इन दोनों के एक एक जोड़ी पता नहीं कहाँ खो गए हैं, तो मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, ये तो ये दोनों अलग अलग हाथ की है। और आज है 29th और हम लोग निकल रहे हैं 1 तारीख को सुबह सुबह, यानी कि 30th की रात को 12 बजे के बाद सुबह सुबह 4-5 बजे निकल जाएंगे। ठीक है भैया, बस इतना काफ़ी है। सो गाइस मैंने पेट्रोल फुल करवा लिया है, 1471 रुपीज़ कुछ का पड़ा है, और पोल्यूशन भी करवा लिया है, मेरा पोल्यूशन ख़त्म हो गया था। सबसे पहले मुझे अभी अपने नानू को लेना है यहीं से नोएडा से ही, और उनको हरिद्वार ड्रॉप करना है, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हरिद्वार तक जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अकेला ही जाऊंगा केदारनाथ तक। तो अभी मैं फ़िलहाल उनको पिकअप करने जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है इस वक्त 9:15 सुबह के, और आज 30th है। मैंने सोचा था आज की रात को निकलूँगा, लेकिन मैं सुबह ही निकल चुका हूँ, और सुबह मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया था, मैंने 2nd तारीख का जो वहाँ पे वो करवाया हुआ रिजर्वेशन, जो तो मैं ऑनलाइन अपना बुक करवाना पड़ता है वहाँ पे केदारनाथ यात्रा जाने के लिए, तो वो मेरा 2nd तारीख का है, और मेरे को 1 तारीख को मतलब चढ़ाई चढ़नी होगी, क्योंकि जिस तारीख का तुम रिजर्वेशन बुक करवाते हो उस दिन तुम्हें दर्शन करने होते हैं, तो अगर मैंने 2 तारीख का बुक करवाया तो 2 तारीख को मुझे दर्शन करने होंगे, और 3 बजे तक सिर्फ दर्शन के वो कपाट खुले रहते हैं, उसके बाद तो बंद ही हो जाते हैं, मैंने सुना ऐसा 3-3:30 तक ही खुले रहते हैं कुछ, तो इसलिए मेरे को थोड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई थी, और अब मेरे को जल्दी जल्दी में निकलना पड़ रहा है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा पी कार्स भी चल रहे हैं, तो बस मैं निकलता हूँ, नानू को पिकअप करता हूँ और चलते हैं। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ, 10 बज चुके हैं इस वक्त, और मैंने नानू को अपने पिकअप कर लिया है, अब हम लोग सीधा हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पर मैं इनको ड्रॉप करूँगा और फिर सीधा केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे। गाइस ये देखो पहली बार एक ऐसी अर्टिगा देखी है, बेसिकली आप केदारनाथ जा रहे हो तो इतनी आसानी से तो पहुंचोगे नहीं। 11:45 हो चुके हैं, इतनी बुरी तरह ट्रैफिक था, इतनी बुरी तरह सारी गाड़ियां वो ट्रैफिक से ही आ रही है बच के, अभी यहीं पे इतनी भीड़ मिली है, तो सोचो आगे ऋषिकेश आएगा वहाँ पे कितनी भीड़ मिलेगी, और उसके बाद तो अंधेरा भी हो जाएगा, मुझे अंधेरे में भी ड्राइव करना है, वो भी पहाड़ों पे, देखते हैं अब कैसे पहुँचते हैं, फिलहाल स्टार्टिंग तो बहुत बुरी निकली है मेरी। सो गाइस अभी इधर रुके हुए हम लोग शिवा रेस्टोरेंट पे, नानू को भूख लग रही थी। सो गाइस ये मंगवाया हुआ है हमने शाही पनीर, प्याज, तंदूरी रोटी, नानू खा रहे हैं मस्त, और साथ में एक आलू प्याज पराठा मंगवाया है। कैसा लगा आपको? सही था। मैं नानू की एज जो है 84 है, और 84 की एज में भी इतने यंग लगते हैं ना वो, मतलब अभी भी फुल लोग 30-30 साल 35-35 साल की उम्र में ड्रिंक से हार मान जाते हैं, उनका लीवर ख़राब हो जाता है, मेरी नानू की अभी भी चल रही है वो, बची है, ख़त्म हो गई, बची है ना क्या ज़्यादा थोड़ी। अच्छा पानी है क्या, बियर ख़त्म हो गई? इतने जल्दी जल्दी पी लेते हो बियर,
भाई साहब घट 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 एकदम खत्म, मेरे से नहीं पी जाती इतनी जल्दी नानू पी लेते। चलो अभी इसको क्लीन अप करके यहाँ से बिल देके निकलते हैं। मेरे नानू तो भाई सब अलग ही आ रहे हैं, पूरे शर्ट वर्ट के बटन वटन सब खोल लिए उन्होंने आगे से। ओ गॉड, हाथ तो धो लिए थे, फिर कहाँ जा रहे हो? अच्छा टॉयलेट जा रहे हैं शायद। सो गाइस लंच अपना हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है अराउंड 1:30, चलते हैं। ओके बाय, और रात को रुक जाना, कहीं जाना मत। नहीं ठीक है। सो गाइस नानू मेरे जा चुके हैं, ये उनका आश्रम है आनंद उत्सव आश्रम, और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा केदारनाथ के लिए। टाइम हो चुका है 4:00, मैं सोचा था 1 बजे पहुँच जाऊँगा, 4 बजे पहुँचाऊँ। बस यही था और तो कुछ नहीं था। ठीक है बाय। चलो गाइस अब चलते हैं। ये मैंने एक जगह ढूंढी है अपने GoPro को अटैच करने के लिए, नहीं तो अभी मैं इसमें अटैच करूँगा। पहले ऋषिकेश का ट्रैफिक क्रॉस करता हूँ, 9 बजे से निकला हुआ, बताओ हद हो गई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अभी तक तो मैंने बस सुना था कि महादेव तक जाने का, यानी कि केदारनाथ जाने तक का सफ़र और यात्रा जो होती है वो बहुत ही मुश्किल और भरी होती है, आज मैं पहचान भी रहा हूँ। अरे वाह, शायद एक यूटर्न मिल गया, वरना 20 किलोमीटर आगे से मुझे यूटर्न लेने के लिए कहा हुआ है, लेकिन शायद एक यूटर्न मिल गया, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, लगता है शिव जी मदद भी कर रहे हैं, वरना अभी मुझे आधे रास्ते देहरादून तक भेज दिया था इन्होंने, कह रहे थे कि ऋषिकेश के अंदर नहीं घुस सकते, आधे रास्ते देहरादून तक जाओ और वहाँ से कुछ निकलेगा मोड़, वहाँ से सीधा तुम ऋषिकेश से आगे कहीं निकलोगे, पता नहीं कहाँ पे ही। थैंक गॉड जो हुआ बहुत सही हुआ, अब मैं वापस जा रहा हूँ ऋषिकेश की तरफ ही। आज तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी है मुझे लग रहा है। हाँ अभी मैंने कैमरा ऑन किया ही था रोता हुआ सा कुछ बोलने के लिए, लेकिन वाह उसी वक्त मुझे एक गाड़ी मुड़ते हुए दिखी और मज़ा ही आ गया। चलो चलते हैं अब तो। भाई साहब पूरी परीक्षा तो शिव जी ले रहे हैं, पता नहीं ऋषिकेश के अंदर कौन से रास्ते से घुस आया है, जहाँ से GPS ने बोला मैं वहाँ से घुस गया। अब मुझे बोलना पड़ेगा जय गूगल मैया की और जय बाबा केदार की, जो होगा देखा जाएगा। पेट्रोल भी बस 2 पॉइंट है, पता नहीं पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा, और हम तो चल दिए जी। जय श्री केदार। सो गाइस मैं हूँ इस वक्त ऋषिकेश पे, यहाँ पे नीचे से रिवर राफ्टिंग हो रही है और इधर से सामने से मुझे जाना है पेट्रोल पंप, बहुत कम पेट्रोल बचा है 7 किलोमीटर से बस। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया और अच्छा हो गया है, और पीछे सनसेट कितना प्यारा लग रहा है देखो। तो गाइस शीशा बहुत ही गंदा हो रहा था, जो कि साफ कर लिया गया है, चमका दिया गया है मैंने, और साथ ही साथ पुलिस वालों से कंफर्म भी कर लिया गया है 7 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर शिवपुरी है जहाँ पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो AC मैंने चला लिया है, मुझे टेंशन नहीं है, पुलिस वाले तो झूठ कह ही नहीं सकते। तीसरी बात, इस ट्रिप के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केदारनाथ अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या आपको काम करवाने पड़ेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे केदारनाथ पे, ऑलमोस्ट A to Z सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मतलब A to Z तो नहीं बता सकता सारी की सारी, कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक जानकारी पूरी केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड मैं आपको दे पाऊँ। और केदारनाथ दिल्ली से अप्रोक्स पड़ता है 480 किलोमीटर के आसपास, और WhatsApp पे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। WhatsApp नंबर मैं आपको स्क्रीन पे अभी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, ये जो WhatsApp नंबर है इसी पे आप बस यात्रा लिख के भेजिए
और आपके पास सारे स्टेप्स अपने आप आ जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं है। आपसे वो सब पूछ लेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपकी एज, आपका आधार कार्ड नंबर, आप कितने जनों के साथ जा रहे हैं वगैरह वगैरह सब पूछ लेंगे आपसे। और आपका जब से रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो वो जो रजिस्ट्रेशन की डेट आप डालोगे उस पर कि मैं इस दिन को जाना चाह रहा हूँ, तो वो दिन एक्चुअली आपका वो वाला दिन होना चाहिए जिस दिन को आपको मंदिर में दर्शन करने हैं भगवान केदारनाथ के, ना कि वो दिन जिस दिन आपको ट्रैकिंग करनी है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। इस बारे में इंफॉर्मेशन मैंने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करी, मुझे पर मिली नहीं, किसी ने भी इस बारे में बताया नहीं हुआ था। और ये लास्ट मंथ है अक्टूबर का, नवंबर 14th को दर्शन बंद होने वाले हैं। आज 30th of September है और आज रात को मैं वहाँ पे पहुँच के कल सुबह अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दूंगा। और यहाँ पे आसपास हर जगह रिवर राफ्टिंग हो रही है यहाँ से स्टार्ट, जो मैंने भी आपको पीछे दिखाई थी। तो ये कुछ अभी तक के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आपको बताते रहूँगा। दिल्ली से हरिद्वार तक तो रोड बहुत अच्छी है, लेकिन हरिद्वार के बाद से, मतलब ऋषिकेश से बाद के बाद से बेसिकली रोड अच्छी नहीं है। बीच बीच में कई कई जगह, जैसे कि ये एक जगह है आपको दिख रहा है इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ, लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे। तो ऐसी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको रोड अच्छी नहीं मिलेगी। और अभी तो मैं बस ऋषिकेश से निकला ही हूँ, अभी आगे और भी पता नहीं कितनी जगह होगी। अब केदारनाथ जी के पास, बम्बोले के पास पहुँचना इतना आसान तो होता नहीं है, मुश्किल तो होता ही है। तो सारी परीक्षा वो मेरी आज ले रहे हैं, सुबह से जब से मैं निकला हूँ मेरी ऐसी तैसी हो रखी है। पहले मैंने सोचा 9 बजे निकला था, मैंने सोचा 1 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाऊँगा, नानू को ड्रॉप कर दूँगा फिर मैं निकल जाऊँगा, लेकिन 1 बजे क्या, मैं 4 बजे पहुँचा। और 4 बजे पहुँचने के बाद हालत इतनी ख़राब हो गई थी हरिद्वार तक पहुँचने में ही। उसके बाद फिर वहाँ से ऋषिकेश आना था और ऋषिकेश से मुझे आगे निकलना था, लेकिन मुझे ऋषिकेश के अंदर घुसने ही नहीं दिया। एनीवेज उसके बाद अब जाके मैं ऋषिकेश से निकला और ये एक डबल रोड शुरू हुई है, जो कि अब यहाँ पे आके मुझे थोड़ी शांति मिली, थोड़े लोग वोग दिखे। उससे पहले ऋषिकेश के अंदर से जो राजा जी टाइगर रिजर्व वाला पीछे वाला रास्ता होता है नीलकंठ वाला, वहाँ से मैं अभी आ रहा था, तो वहाँ से मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं। और ये देखो एक और गंदा पैच, हाँ, तो वहाँ से मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कैमरा वैमरा भी फिक्स नहीं किया था, क्योंकि सामने से भी गंदा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे आके फिक्स किया पहले कैमरा, फिर क्लीन भी कर लिया। और अब आई होप आपको अच्छा से दिख रहा हो सामने, लेकिन अब फ़ायदा भी क्या है, रात तो होने वाली है, इस वक्त 5:45 हो रहे हैं। हाँ, तो किलोमीटर बची है 192, रात को टाइम दिखा रहा है 12:20 का जब मैं पहुँचूँगा। अब बताओ मैं 12:20 कैसे पहुँच सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं बीच में रुकूँगा, टाइम धीरे धीरे बढ़ते जाता है, 2 मिनट के लिए रुकता हूँ 10 मिनट 15 मिनट भर जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आज पूरा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट ऐसी जगह तक पहुँच जाऊँ जहाँ पे मुझे ठंडा मौसम मिल जाए ताकि मैं सो पाऊँ। मैंने गाड़ी में पीछे पूरा बेड वेड लगा के जैसे मैं सेटअप करता हूँ वो मैंने किया ही हुआ है। तो बस वहाँ तक मैं गुप्त काशी तक सोच रहा हूँ, गुप्त काशी तक अगर मैं पहुँच गया तो वहाँ पे काफ़ी ठंडा होगा, मैं आराम से सो सकता हूँ गाड़ी में और फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल भी सकता हूँ, ट्रैकिंग वगैरह अपनी कर सकता हूँ आराम से। ओ बाप रे, पूरा का पूरा बीच में से टूटा ही हुआ था हाईवे, रोड ही पूरी निकल के गिरी हुई थी, दिख गया होगा वैसे कि कैमरा में मेरे ख्याल से। सो गाइस, पेट्रोल पंप मिल गया मुझे, ये वही होगा शिवपुरी वाला, बस 5-7 मिनट के अंदर ही आ गया है। तो मैं ऐसे पेट्रोल फुल करवाता हूँ, उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ भैया, गर्म हो गया, कब तक हो जाएगा सही? मशीन गर्म हो गई, हवा नहीं है, पता नहीं क्या नहीं हो रहा। 20 मिनट तक रोकेंगे भाई, हमारे पास तो है नहीं पेट्रोल, हम तो जा ही नहीं सकते कहीं पे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गाइस मेरी ज़िंदगी को, इनकी मशीन तो ठंडी हो गई, पेट्रोल भरना शुरू भी कर दिया, लेकिन 500 का ही भरा बस, कहते 500 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा क्योंकि तेल नहीं है। क्या मजाक है, कह रहे 26 किलोमीटर बाद दोबारा है आगे, वहाँ से भरवा लेना। खैर अब तो काफ़ी हो गया मेरे पास, आराम से चले जाएगी, लेकिन फिर भी दोबारा रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, लेने दो, हम तो पहुँच के रहेंगे, हम तो केदारनाथ पहुँच के रहेंगे।
एक्साइटमेंट सी हो रही है, सही बता रहा हूँ, मस्त वाली। तो रोड की कंडीशंस कुछ ऐसी ही है गाइस, देख लो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो मैंने देखा था यूट्यूब पे एकदम सही देखा था, बहुत ही खराब कंडीशन है रोड की। भाई यहाँ तो सही में बारिश ने तूफान मचाया है, तूफान, सब बर्बाद है यार यहाँ पे तो सब कुछ, कितना बुरा हाल है देखो। मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, समझ ही आ रहा होगा सब कुछ। ऐसे छोटे छोटे पैच बार बार आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तब से चार पांच बार तो आ ही चुके हैं। एक और हद से ज्यादा गंदी लैंडस्लाइड। गिनते रहो बस, सातवीं है ये। कितनी खतरनाक खतरनाक लैंडस्लाइड्स है, ये मेरे ख्याल से नौवीं है। एक मैंने बीच में मिस भी करी है, और उन्होंने कहा से सड़क काटी है ऊपर, एकदम ऊपर करके ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ट्रैफिक तो जो है सो है गाइस, लेकिन ऊपर मून का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। राइट हैंड साइड पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, मुझे दिख रहा है अभी गोप्रो पे, फुल मून है इस वक्त, एकदम फुल मून। और लैंडस्लाइड के ठीक नीचे ये पत्थर है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो आप देख रहे हो ना, इतने बड़े पत्थर के, और ये पत्थर बस मिट्टी से टिका हुआ है, सिर्फ मिट्टी से, और मैं इसके नीचे खड़ा हुआ। थोड़ा सा भी कुछ खिसक गया ना ऊपर से, मस्त काम हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस अभी पिज़्ज़ा खा रहा हूँ मैं, देव स्प्रे आगे में हूँ इस वक्त, रात के बज रहे हैं 10, और 10 बजे मैं सिर्फ देव स्प्रे आगे में पहुँचा हूँ। बहुत दूर का भी रास्ता है, 5 घंटे कुछ का, और मैंने थोड़ा सामान खरीदा है, हॉट डॉग, बर्गर और 2 पैटी और 1 पिज़्ज़ा। थोड़ा बहुत अभी खाऊंगा, थोड़ा बहुत कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा, फिर सीधा निकलना है ट्रैकिंग पे। और इतना मस्त आ गया सिर्फ 35 रुपीज़ में देव प्रयाग से। देव प्रयाग में एक पेट्रोल पंप है, वो बंद रहता है हमेशा, HP का, उसके ठीक सामने है। ये है वो धूम सिंह केक शॉप, ये है देव प्रयाग, और यहाँ पे ये 2 नदियों का संगम है। मैं तो बहुत देर से रुका हुआ हूँ, अब आप ही जाओ, कहीं से जा सकते हो तो चले जाओ। हाँ जी भैया, नहीं मैंने भी दिया, असल में मैं रुका हुआ हूँ, मैं कहाँ, उधर भी दे रहा हूँ, हॉर्न भी दे रहा हूँ। भाई हम भी तो डिपर दे रहे हैं, हम भी तो हॉर्न दे रहे हैं, मतलब मेरा डिपर डिपर और तुम्हारा डिपर टोमी। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, होटल एंड रेस्टोरेंट ब्लू ऑर्किड, और ये रही गाड़ी, मैं यहीं पे सोऊंगा। टाइम हो गया 12:30 और अराउंड 75 किलोमीटर रह गया है, तो 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, मैं कल क्रॉस करूंगा उसे। अभी मैं सोने जा रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ कल सुबह, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, 6 बज गए सुबह के, काफ़ी 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 नींद पूरी हुई है मेरी, मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे तक सो गया था मैं, बहुत आराम से 5 घंटे के आसपास तो सो ही लिया। अब चलते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं, अभी निकलूंगा तो 9:30-9 बजे तक तो सोनप्रयाग पहुंचूंगा। चलो चलते हैं, ठंड हो रही है यहाँ पे, मुझे ठंड लगने लगी है, 19 डिग्री दिखा रहा है अभी। गाइस सुबह का मौसम देखो यार, वाह,
तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ। कल लिए थे ये हॉट डॉग और बर्गर, वो बचे, साथ में दो पैटी भी बची हुई है। भाई साहब इतना ठंडा पानी था कि क्या बताऊँ। वाह चलो मैं फुल्ली फ्रेश हो चुका हूँ अब। सो गाइस 6:50 हो गए हैं निकलते निकलते, और सामने देखो बादल कैसे आए हुए, इतने मस्त लग रहे हैं। 2:45 दिखा रहा है, 2 hours 45 minutes, 76 किलोमीटर सोनप्रयाग, जहाँ पे गाड़ी पार्क होगी। आप सोनप्रयाग से आगे नहीं लेके जा सकते हो गाड़ी, वहाँ से आपको एक लोकल टैक्सी से ही जाना होगा। तो सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है, इनफैक्ट उत्तराखंड की सबसे बड़ी पार्किंग वही बनी हुई है। वहीं पे आपको खड़ी करनी होगी अपनी गाड़ी, और फिर गौरीकुंड तक आपको जाना होगा टैक्सी में, जो कि 50 रुपये पर सवारी लेगी आपसे, और उसके बाद आपको जाना होगा पैदल ट्रैकिंग करते हुए। वाह क्या मस्त बादल आ रखे हैं यार, सामने देखो। मुझे कल लग ही रहा था रास्ते में इतना पानी पानी क्यों पड़ा हुआ है, लगता है यहाँ पे बारिश कुछ ज्यादा ही होती है। पे तो रोड बहुत बढ़िया है गाइस, एकदम सीधी रोड मिल रही है और गड्ढे वड्ढे भी नहीं है। 64 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग से इस वक्त हूँ मैं, अभी 2 घंटे दिखा रहा है गाइस। और सड़क इतनी ज़्यादा पतली हो गई है और ख़राब भी, और पतली तो कुछ ज़्यादा ही है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा पतली है। तो सामने से अगर बाई चांस ट्रक या बस आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, किसी ना किसी को पीछे लेना ही पड़ेगा। ये आ रहा है ऊपर बोर्ड, केदारनाथ 54, फाटा 20, चमोली 90, गोपेश्वर 80, श्री केदारनाथ मार्ग के लिए लेफ्ट। बेसिकली कहीं पे तो रोड बहुत ही अच्छी है, पूरा डबल हाईवे है, और कहीं पे कुछ ज़्यादा ही गंदी है। खैर हम तो पहुँचने वाले, बस 2 घंटे में थोड़ा जाम दिखा रहा है बीच में कहीं पे, सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले, लेट्स सी क्या मामला है। सो गाइस फाटा वो जगह है जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर की राइड मिलती है केदारनाथ के लिए, और अभी हम फाटा में ही पहुँच चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर राइड चालू है, हेलीकॉप्टर राइड के आपको लगते हैं 7,000 रुपये के आसपास, जो कि वन वे होता है और इतना ही वापस आने का भी। ये ऊपर दिख रहा होगा आपको हेलीकॉप्टर अभी लैंड हुआ है। सो गाइस सोनप्रयाग पार्किंग के लास्ट के 20 किलोमीटर बचे बस, और रास्ता 2 घंटे का दिखा रहा है, 20 किलोमीटर में 2 घंटे का रास्ता, मतलब 10 किलोमीटर में 1 घंटा। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ रेड दिखा रहा है, रेड। रोडें टूटी पड़ी है और खाई ही खाई है, और इतनी गहरी खाई है ना राइट में कि बस मैं क्या बताऊँ। सो गाइस बहुत देर से अपडेट नहीं दिया, तो सोचा एक अपडेट दे दूं। थर्टी फाइव मिनट्स दिखा रहा है, सिर्फ 2.7 किलोमीटर रह गए हैं, और टाइम हो रहा है इस वक्त 1:11। मैं जाम में 4 घंटे से फंसा हुआ था, पूरे 4 घंटे से जाम में,
9 बजे से 1 बजे तक, और वो भी सिर्फ मैक्सिमम 4 किलोमीटर का जाम था। वो 4 किलोमीटर के जाम में 4 घंटे लगे। तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, पता नहीं भोलेनाथ किस चीज़ की तपस्या कह रहे हो, परीक्षा ले रहे हैं। थक चुका हूँ मैं बहुत बुरी तरह, पसीने आ रहे हैं। ज़्यादा देर गाड़ी खोल के नहीं रख सकता था, वरना पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इस चीज़ का डर होता। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं है, पेट्रोल पंप वापस नीचे ही मिलेगा। अब बस 2.8 किलोमीटर रह गई है पार्किंग, पार्क करता हूँ। खाना भी लेना है, फिर खाना लेके फिर चलूँगा। जितनी ट्रैकिंग हो सके आज कर लूँगा मैं। रात को बीच में कहीं पे कैंप लगा के सोना पड़ेगा, पहुँच तो पाऊँगा नहीं, लेट हो ही चुका हूँ। अगर सही टाइम के हिसाब से मैं पहुँच जाता 10 बजे तक ना, तो फिर कितना सही होता, आज ही शाम तक मैं पहुँच भी जाता। खैर बस ये अपडेट देना था, चलते देखते। आधा घंटा दिखा रहा है, ज़्यादा ही लगेगा मुझे उम्मीद है, पूरा जाम पड़ा है। तो गाइस पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है, और मुझे पार्किंग दिख रही है नीचे, बहुत बड़ी पार्किंग है। फाइनली गाइस 4:15, 9 बजे से मैं 18 किलोमीटर पीछे था बस पार्किंग वाली जगह से, और 4:15 यानी कि 6 घंटे 15 मिनट लगे मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ मैंने लगाई है, और ये रास्ता सीधा हरिद्वार को जा रहा है जहाँ मुझे जाना है। फ्री पार्किंग है, कोई पैसे नहीं है, आराम से कोई दूसरी गाड़ी आएगी वो निकल भी जाएगी। सब लोगों ने जिन्होंने साइड में लगाई हुई है वो सबकी फ्री पार्किंग है। एक जना अभी पीछे ऐसे ही कहता कि 2500 रुपये दे दो यहाँ पर लगा लो, ना वो उसकी जगह थी ना कुछ, और रिसीप्ट भी नहीं दे रहा था। अगर ऐसा कोई आपके साथ करे तो उसको साफ मना कर देना, कहता मुझे नहीं लगाना ही, नहीं तो आसपास कोई पुलिस वाला हो तो उससे बात कर लेना। जब सब ने लगाई हुई है तो वो 2500 कैसे मांग सकता है। मैंने तो लगा ली यहाँ पे, यहाँ के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो अगर यहाँ से बस निकल सकती है तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई भी निकल सकता है। मतलब कोई पुलिस वाला मेरी गाड़ी को आगे बेफालतू में प्रॉब्लम नहीं देगा। तो गाइस मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। 5 बजे और भीड़ सही में ज़बरदस्त है। कितने लोग हैं गाइस देखो, कितने ज़्यादा ही लोग हैं। अभी मैं सोनप्रयाग पहुँचा से गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेनी है। बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पागल सा हो गया हूँ, पसीने देखो कितने आ रहे हैं मुझे। तो गाइस ये कार पार्किंग है यहाँ की सोनप्रयाग की, मैंने तो पीछे खड़ा कर दिया था सीतापुर के पास बस पार्किंग में। तो गाइस अभी मुझे मना कर दिया था पुलिस वालों ने पीछे कि यहाँ से जा नहीं सकते तुम, क्योंकि 4 बजे गाड़ी बंद हो जाती है उनका कहना है। लेकिन 4 बजे बंद हुई नहीं है, असल में वो भीड़ के वजह से कर रहे थे ऐसा। मैंने बोला मैं तो टेंट लेकर आया हूँ, मैं होटल नहीं ले सकता ये सब। वो कहते तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं उनको जाने दो, और उसके बाद तुम चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे वेट किया और फिर मैं निकल गया। अब गौरीकुंड जाके कैंपिंग करूँगा। खाना मैंने ले लिया है, राजमा और आलू गोभी और चावल। चलते हैं। और वो जा रही है ऊपर वहाँ पे गाड़ियाँ। ये ब्रिज है गाइस, इस ब्रिज को पार करते ही सामने टैक्सी है, टैक्सियाँ खड़ी हुई है। क्या सांस फूल रहा है मेरा, 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही 22-26 किलोमीटर में तो पता नहीं क्या होगा। ओ वाह, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, यही करता हुआ चले जाऊंगा मैं तो। तो
गाइस गौरी कुंड के पास मैं उतर गया हूँ। अभी यहाँ पे इन्होंने मुझे छोड़ा है क्योंकि ट्रैफिक था, 100 मीटर पहले ही छोड़ा है। तो मैं गर्म पानी का कुंड ढूंढ रहा हूँ जिसकी वजह से गौरी कुंड फेमस है, और फिर वहाँ पे कैंप लगाऊंगा। मैंने पूछ भी लिया, भैया से कह रहे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लगे हुए लाइन में वापस जाने के लिए, टैक्सी आएगी धीरे धीरे करके। और ये कितनी लंबी लाइन है, बाप रे देखो। मुझे भी ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा जब मैं आऊँगा। तो गाइस ये है वो गर्म पानी का स्रोत, भाप निकलते हुए दिख रहा होगा आपको। गौरी कुंड यही है वो कुंड, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आगे। तो गाइस ये जगह मिल गई है मुझे, एकदम नदी के किनारे है, और मैं यहीं पे टेंट पिच कर रहा हूँ। मैंने इतना बढ़िया टाइम लैप्स रखा था बनाने के लिए, बहुत ही बेकार सा बना है। जैसा भी बना है मैं दिखा दूंगा। टेंट मैंने लगा लिया यहाँ पे, बहुत ही मस्त नींद आने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। सामान रख देता हूँ अंदर। तो गाइस अब मुझे बड़ी तेज की भूख लग रही है, तो मैं खाना खा रहा हूँ। अरे वाह, सब्जियाँ तो अभी तक गर्म है, बस पराठे पराठे गर्म कर लेता हूँ, बाकी तो सब सही है। इतना चल के बताए, वीकनेस भी हो रही है, हद से ज़्यादा वीकनेस हो रही है। पराठों की यही खास बात होती है, सही रहते हैं, चार पांच दिन तो इन्हें कुछ नहीं होता। चलो इसका काम कंप्लीट है, सब्जी दोनों गर्म है, अब सीधा खाता हूँ। आलू गोभी, धुआं निकल रहा है अभी तक, मस्त गर्म हो रही है। वाव, लेट के खाने का मन कर रहा है। चलो गाइस मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के जब सोने जाऊँगा तब आपसे मिलता हूँ, या उससे पहले कुछ ज़रूरी काम याद आया तब मिलता हूँ। तो जैसा कि गाइस आपको पता है, जुगाड़ तो मेरे पास पूरा ही होता है। ये एयर वाला पिल्लो है, स्लीपिंग बैग मैंने ऐसे बिछाया हुआ है यहाँ पे। ये गेट है उसका, टेंट का ठीक सामने स्लीपिंग बैग है, और पीछे मेरा सारा का सारा सामान रखा हुआ है, ताकि रात को बाय चांस मैं सो रहा हूँ और कोई कुछ चोरी करने की कोशिश करे तो पहले उसको दरवाजे से मेरे ऊपर से क्रॉस करना पड़े। तो गाइस अब मैं सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्त वाली नींद आ रही है। सब कुछ मैंने उतारा हुआ है, पैक वैक अभी कुछ नहीं किया है, सुबह भी खाना खाना होगा इसलिए ये भी बाहर छोड़े है, जूते भी बाहर ही है, सब कुछ ए टू जेड बाहर है। रात को ठंड लगी तो मैं फटाफट जैकेट पहन लूँगा, जैकेट को थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ, और मैं स्लीपिंग बैग के अंदर घुसता हूँ और सोता हूँ। और ये पता नहीं क्या उड़ रहा है, ये कोई मच्छर मक्खियाँ वगैरह नहीं है, ये डस्ट पार्टिकल्स है। अभी सिर्फ 8 ही बजे है, और टेम्परेचर रात को देखो ऊपर 8 डिग्री जाएगा, अभी 11 डिग्री है। और मैं स्लीपिंग बैग के अंदर घुस चुका हूँ।
में स्लीपिंग बैग के अंदर हूँ और बहुत सही लग रहा है, मतलब गाड़ी में सोने के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। और साइड में रिवर की जो नॉइज़ आ रही है, मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी सो जाऊँगा, ऊपर से थका हुआ भी इतना, तो फिर सही में जल्दी नींद आने वाली है मुझे आज। तो बस यही लास्ट था, अब मैं सो रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ कल सुबह। बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था अपना टेंट, अब मैंने निकाल लिया है और इतना मस्त यहाँ से पानी का बहाव आ रहा है देखो। अभी मैं टॉयलेट वगैरह जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए और फिर निकलते हैं आगे। गाइस साहब सुबह सुबह कितनी भीड़ है गर्म पानी वाली जगह पे, वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, सांस फूल गया, बस यहाँ तक जाना है। तो गाइस मेरे तो बस का था नहीं पैदल चलना, मेरी हो रही थी हालत ख़राब, तो मैंने कर लिया पिट्ठू और अब मैं पिट्ठू से ही जा रहा हूँ। कह रहे 4 घंटे में पहुँचा देते हैं और 3000 रुपये लिए, 3000 रुपये 4 घंटे। आसपास आपको तरह तरह की शॉप्स मिल जाएगी गाइस, स्नैक्स वगैरह की। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, कस अच्छा हुआ मैंने पिट्ठू कर लिया, वरना कसम से मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता। भले ही मेरी एज कम है लेकिन हाइकिंग और ट्रैकिंग की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। अभी हम चीर भाषा के आसपास कहीं पे है और इतना प्यारा वाटरफॉल आया है। सो गाइस अभी यहाँ पे रुके हुए हैं ब्रेक के लिए 2 मिनट के, भैया लोग खाना खा रहे हैं और फिर हम चलेंगे। भीमबली है ये, इसके बाद आएगा रामबाड़ा और वो ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ से थोड़ा सा ही आ गया है केदारनाथ। तो सवारी तो फिर से शुरू हो गई है हमारी, हम 3 घोड़े हैं जो साथ में जा रहे हैं, 1, 2 और ये तीसरा। वो देखो सामने लिखा हुआ है फ्री वाईफाई जोन, यू हैव एंटर्ड फ्री वाईफाई जोन। और सामने देखो बाढ़ का आया हुआ है सारा, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। घोड़े में बैठना भी आसान नहीं होता, बैठने में भी बहुत दर्द होता है। अब तो भैया मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में, चलो सही है 2 घंटे और बैठना है। घोड़े में बैठो तो याद रखना कि आगे की तरफ होके बैठो जब भी चढ़ाई आ रही हो, वरना इनको चढ़ने में दिक्कत होती है। और ठंड बहुत ही ज़्यादा होने लगी है, ऊपर तो और ज़्यादा होगी। अब मेन चढ़ाई शुरू होने वाली है रामबाड़ा के बाद से। ये कुछ लोग लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं भाई और कुछ लोग राइट से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट से। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे रेन शेल्टर दिख जाएंगे आपको बारिश से बचने के लिए। दुकानें तो ऑलमोस्ट पूरे रास्ते ही मिलेगी, दुकानें ही दुकानें हैं यहाँ पे, खाने पीने की सब चीज़ की, पर रेट महंगा है। नीचे ही बोतल के 40 रुपये थे, ऊपर बता रहे हैं कि 80 रुपये होंगे। बहुत नीचे जाना है, ऊपर जाना है हमें, उतना ऊपर, बहुत चढ़ाई है अब तो। झेल लियो भाई मेरे, झेल लियो। वो सामने दिख रहे पहाड़ बर्फ वाले, जय श्री कृष्णा जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा जय भोलेनाथ, यही बोलते हुए चल रहा हूँ मैं तो भाई मनो मन में। बारिश आने लगी है थोड़ी थोड़ी, मुझे लग रहा था अक्टूबर का टाइम है बारिश नहीं होगी, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है, छोटी छोटी ड्रिजलिंग तो हो ही रही है। और बादल ऊपर पूरे काले हैं। कितनी चढ़ाई है, बाप रे जबरदस्त चढ़ाई है यहाँ से।
ये भैया रोज आते हैं यहाँ पे खच्चर, एक चक्कर तो रोज का लग ही जाता होगा, पर डे का एक ना। आज तक कभी ऐसा हुआ है गिरे हो या कुछ? नहीं, अभी तक हमारे घोड़े में तो नहीं हुआ, पर गिरते हैं घोड़े। हाँ मैंने देखा है, कुछ तो मर भी जाते हैं रास्ते में। ये बूढ़े होने के बाद तो फिर तो नहीं चल पाते होंगे ये? कितनी उम्र तक मतलब इनसे करवाते हो ये? 35 साल की उम्र होती है और तब तक काम करते हैं ये? अरे बाप रे, भगवान केदारनाथ इसे आशीर्वाद देना, मुक्ति दे देना इस जन्म के बाद इसे, बस ये इसका आखिरी जन्म हो, इसके बाद इस बेचारे को मुक्ति मिल जाए, सभी को मिल जाए, मेरे वाले को क्या। अब तो यहाँ पे सुना है मोदी जी ट्रॉली वगैरह चलवा दे, हाँ चल रहा है, तो उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को? नहीं हमारा का है दिक्कत, जिनके घोड़े हैं उनको दिक्कत होगी। अच्छा ये आपका नहीं है? अच्छा हमारा तो पड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लेके बस जाते होंगे? हाँ तो बस भी ना आता हूँ। अच्छा, अरे मेरे भैया कहाँ गए? ये तो अकेला ही लेके चल रहा है भाई, मुझे मेरे भैया ही नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूँ। अरे बाबा, अरे बाबा, मेरे वाला तो फुल जोश में है भाई, लोगों फुल जोश में है। वो देखो बर्फ के पहाड़, मौसम कभी भी बदल रहा है, कभी भी धूप, कभी भी बारिश, कभी भी छाया, थोड़ा सा भीग भी गया मैं तो बारिश की वजह से। आ गए भैया आ गए, बहुत तरस आ रहा है मुझे इन घोड़े खच्चरों के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। श्री केदारनाथ 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5। कहा लोगों को 9-12 घंटे लग जाते हैं, 9-10-12। अरे मेरे भैया फिर से कहाँ चले गए? अरे मेरे भैया ही नहीं है यार, मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? ये बेकाबू बेकाबू हो गया मेरा क्या होगा? अरे वे भैया ये नहीं है यार, मेरे तो भैया है ही नहीं, तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे। आ गए भैया, शॉर्टकट से आया है। ये जो हेलीकॉप्टर होता है इसकी बुकिंग पहले से करवानी होती है? अगर अभी की अभी मैं चाहूँ लेना वापस जाते हुए तो ले सकता हूँ? नहीं मिलेगा। अच्छा आने जाने का होता है। आखिरी चढ़ाई है ये मेरे ख्याल से, पहुँचने ही वाले हैं सब हम केदारनाथ 2.5, बेस कैंप 1, वो है ऊपर बेस कैंप इसका मतलब। भैया फिर से गायब है, पता नहीं कहाँ कहाँ से शॉर्टकट मार के आते, वो आ गए सामने से। आपका सही है भैया, मस्त शॉर्टकट मार मार के आ रहे हो आप। अच्छा ये जो बेस कैंप है इसके आगे छोड़ते हो या इसी पे छोड़ते हो? कहाँ पे छोड़ते? घोड़ा पड़ाओ, घोड़ा पड़ाओ। बाप रे, नीचे कैसे जाऊंगा मैं, ऊपर तो आ गया हूँ। अरे यार उन्होंने आगे को आ गए ना, आगे का नहीं नहीं है। गिर गए भैया, कैमरा ऑफ था। तेरे को पता नहीं ये साफ से ले, मैं जो खा रही ये साफ से ले। चल बैठा, कितना रहा आप? थोड़ा सा बैठा, 3 मिनट का रास्ता, बैठा दे इधर आ। लगी तो नहीं साथ? इसीलिए ये वाला ना अपने आप ही उधर को हो गया था, जहाँ पे पत्थर पत्थर थे ना, ये समझता है। हाँ उस समय मैं चला रहा था, एक भी स्लीप नहीं हुआ। समय में अनाड़ी पंथी दिखा रहा, अनाड़ी पंथी थोड़ी दिखाना पड़ता जानवर के साथ। सही बात है,
हिसाब से चलना पड़ता है। मैं क्यों छोड़ा उसको खुला। नाल जो होती है वैसे ये इनको मदद करती है ना चलने में। ये मदद करती है, पांव दर्द नहीं होता। अच्छा यही है भैया वो घोड़ा पड़ाव। पहुंच गए दोस्तों घोड़ा पड़ाव 9:45 बाप रे ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए। 6:30 या 7 निकला था 3 कुछ मिनट में। खाना है मेरा ठीक है भैया हो गया ना। थैंक यू सो मच। ठीक है ना। पता नहीं कितना दूर होगा अब। कितना दूर है भैया यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर मंदिर ना। और बेस कैंप जो है वो कहाँ पे? यहाँ पे आधा किलोमीटर। और क्या क्या होगा भैया आपके पास खाने वाने के लिए? और क्या होगा? मैगी होगी। मैगी वेजिटेबल वाली तो होगी नहीं। वेजिटेबल वाली मैगी वेजिटेबल वाली उसमें प्याज नहीं होगी ना? प्याज नहीं होगी। प्याज नहीं रहते भाई। जब प्याज नहीं चलता यहाँ पे कहीं पे भी नहीं चलता। कहीं पे भी नहीं चलता यहाँ पे प्याज नहीं चलता। अच्छा ठीक है। मैगी मतलब नॉर्मल होगी जो वेजिटेबल वाली होगी उसमें टमाटर शिमला मिर्ची सब होगा। शिमला मिर्ची होगा मतलब गोभी वगैरह वगैरह। अच्छा सॉरी सॉरी नहीं है नहीं है सिंपल होगी। अच्छा अच्छा और कुछ सैंडविच वगैरह? सैंडविच भाई की आपके सैंडविच कैसे चले गए यार? क्या होगा फिर आप भी बता। रोटी दाल सब्जी मैगी होगा। अच्छा रोटी दाल भी होगी। चलो आलू का पराठा ही ठीक है। दिखने वाला है केदारनाथ टेंपल किसी भी वक्त। अभी पीछे से थोड़ा सा दिखा था मुझे। इतनी लंबी गाइस लाइन है गाइस इतनी लंबी कि सुबह भी लोगों का नंबर ना आए। जहाँ तक देखो बस लाइन ही लाइन है। पिछले 1 किलोमीटर से तो लाइन चल रही है। मैं तो लाइन में लगा ही नहीं। मुझे तो ऐसे ही भगवान दर्शन दे दे थोड़े बहुत मेरे लिए वही काफ़ी है। लाइन में लगूँगा मर जाऊँगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा सही में बीपी सब हाई लो रहता है। मैं सही में मर जाऊँगा। कितनी लंबी लाइन है देखो। अभी तो मंदिर भी नहीं दिख रहा और ये अभी नहीं शुरू हुई है। पिछले 1.5-2 किलोमीटर से है भाई। 1.5-2 किलोमीटर से भाई मंदिर यहाँ से आ जाएगा। फाइनली मैं पहुंच ही गया गाइस। ओ भाई पीछे बादल देखो कैसे हो रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही पास पहुंच गया हूं गाइस। तो गाइस ये भीमशिल है जिसने 2013 की आपदा के टाइम पानी को डिवाइड कर दिया था मंदिर के पीछे से और मंदिर बच गया था। अभी मैं पास से दिखाता हूँ। जय श्री केदार। जय श्री केदार। सेवा तो मेरी हालत हो रही है इस वक्त। ये क्या बनाया हुआ है यहाँ पे लोगों ने? अरे ये क्या है? तो
कैंपिंग के लिए सच कोई जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं घोड़ा लेके वापस नीचे ही जा रहा हूँ। हो सका तो सोनप्रयाग में, वरना अपनी गाड़ी में जाके सो जाऊँगा और कल सुबह निकल जाऊँगा वापस के लिए। अभी मैं वेट कर रहा हूँ घोड़े वाले का, दो जने जाएंगे साथ में मिलके, तो मैं तो सिंगल हूँ। अभी वो किसी और को ढूँढ रहा है। चलो भैया चले। मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और ऊपर से बारिश आ रही है। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने हिमवत रेजिडेंसी में और अब मैं निकल रहा हूँ वापस, फिलहाल तो हरिद्वार के लिए, उसके बाद दिल्ली के लिए, क्योंकि नानू को पिकअप करने वास्ते। तो चलो चलते हैं। और आई होप ये केदारनाथ वाली आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। बहुत मेहनत करी है, 6-6 घंटे जाम में फंसा हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ। 3 घंटे से जाम में था, 4 किलोमीटर कवर किया है बस। 6 बजे निकला था, 9 बजे तक 3 घंटे के अंदर सिर्फ 4 किलोमीटर कवर किया है। तो थोड़ा सपोर्ट कर देना भाइयों।